हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ग्रुप्स पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये रेड येलो कलर का डबल फ्रिल बेस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए बुकरम का एक पीस जो राउंड कटा होगा 6 इंचेस में, यानी कि 2 नंबर के लिए। उसके बाद हमें चाहिए सेम कटिंग में क्लोथ, जो भी हमें कलर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ येलो कलर बना रही हूँ, तो येलो लिया है मैंने दो, एक लिया है मैंने 7 to 7.5 इंचेस का कपड़ा। इसके बाद मैंने दो नेट के पीसेस लिए हैं, जिसमें येलो कलर की नेट 2 इंचेस के अराउंड है और रेड कलर की नेट भी 2 इंचेस के अराउंड है। इसके बाद हमने लिया है गोटा, चौक, कंपास, डोरी, सीजर। इसके अलावा भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम वीडियो के मिड में उस चीज़ को देख लेंगे। सबसे पहले हम जो है हमारा बड़ा पीस है क्लोथ का वो लेंगे, उसके ऊपर हम बुकरम रखेंगे और उसके ऊपर हम छोटा पीस क्लोथ का रखकर बड़े वाले पीस के टुकड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसे यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारी बुकरम जो है वो पूरी कपड़े पे कवर हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरा इसे कवर कर लिया है और हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे सीजर से कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपने इस पीस को 2 फोल्ड्स दे देंगे, जिससे हम एक मिड पॉइंट क्रिएट कर पाएंगे और उस मिड पॉइंट पे हम चौक से मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम अपनी कंपास को 0.4 इंचेस का ओपन करेंगे और इस मिड पॉइंट से बीच में एक सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी 2 नंबर के लड्डू जी की ड्रेस की कमर होगी। इसके बाद हम बचे हुए पोर्शन को हाफ पॉइंट पे मार्क करके एक कंपास से वहां पर भी एक राउंड बना लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें नीचे कितना येलो कलर रखना है और ऊपर कितना रेड। इसके बाद हम कमर की तरफ से इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और एक कट हम एक साइड में दे देंगे। अब इसके बाद जहां से हमने कट दिया है, यहां से हम अपने कपड़े को बुकरम पे स्टिच कर देंगे। अब हम अपना येलो कलर का नेट का जो पीस है वो नीचे की तरफ लगाएंगे कुछ इस तरीके से और वहाँ पे हम प्लेट्स बना लेंगे और उसे स्टिच कर देंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम स्टिचिंग करने वाले हैं वो हम पेंसिल के मार्क के ऊपर करेंगे, जहाँ हमने पेंसिल से मार्क लगाया था उसके ऊपर। और इसी तरीके से हम फ्रिल्स बनाते जाएंगे, यानी कि प्लेट्स बनाते जाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्लेट्स बहुत ही बारीक बनानी है, जिससे हमारे बेस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब हमें अगर जोड़ लगाना है हमारे नेट के ऊपर, तो वो कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। हम एक नेट का पीस लेंगे, उसे थोड़ा सा फोल्ड देंगे और अपने पुराने पीस के ऊपर रखकर इसे नीचे के साथ प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से हम जो अपनी नेट में जोड़ लगा सकते हैं। सेम तरीके से हम इस पूरे राउंड पे इस तरीके से हमने ये नेट की प्लेट्स रेडी कर दी है येलो कलर में। अब हम एक्स्ट्रा नेट को कट कर लेंगे और इसी तरीके से हम सेम वे में अपने ऊपर की पोर्शन पे रेड कलर की नेट से प्लेट्स बनाकर इसे रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने रेड कलर की नेट ऊपर की तरफ रखी और हमने प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और हम इस तरीके से यहां से इसे स्टिच कर लेंगे ऊपर ऊपर से। अगर हमें जोड़ देना है तो हमने जैसे येलो नेट के साथ किया था, सेम उसी वे में उसी प्रोसेस को हम रिपीट करके यहाँ पर भी जोड़ दे देंगे और इस पूरी नेट को, रेड कलर की नेट को, हम पूरे ड्रेस पे जो है प्लेट्स बनाकर रेडी कर देंगे। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा नेट को कट कर दिया है और अब हम जो है अपनी एक साइड से इस नेट को स्टिच कर लेंगे थोड़ा पक्का काम करने के लिए। दैट्स इट।
अब हम गोल्डन गोटा लेंगे, उसे हम अपनी ड्रेस में एक साइड पे नीचे की तरफ रखेंगे और थोड़ा हाफ ऊपर की तरफ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा गोटे को कट कर देंगे और गोटे को नीचे से हल्का सा फोल्ड देकर इसे पूरा अच्छे से स्टिच कर देंगे दोनों साइड्स पे। इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड पर भी गोटा लगा लेंगे। अब हम लोगों ने एक नेट का, येलो नेट का टुकड़ा लिया है 3 इंचेस का, जिससे हम कमर जो है लड्डू जी की डोरी लगाकर रेडी करने वाले हैं। तो हमने इसको फोल्ड देकर एक और फोल्ड दिया ऊपर की तरफ से और इस तरीके से मिड पे रखकर बिल्कुल और एक स्टिचिंग लगा कर लेंगे इसे बिल्कुल बीच में से। अगर आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आता है तो आप इसे स्लो मोड में देखकर आराम से समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। इस तरीके से हमने इसे रखकर हाफ फोल्ड किया हुआ है और हम इसे स्टिच किए जा रहे हैं बीच में। और एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। अब हम अपनी गोल्डन डोरी लेंगे, हम अपनी नेट को पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से कुछ राउंड देकर यहाँ अपनी डोरी को प्लेस करके और स्टिच कर देंगे। इसे भी आप स्लो मोड में देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब हम अपनी डोरी को बीच में लगाते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे, आप इसे क्लियरली देख पाएंगे। ये देखिए, और हमारा बेस बनकर रेडी हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, इसके ऊपर डिजाइनिंग की बहुत सुंदर लगती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर डिजाइन करके खुद दिखाऊंगी भी, तो आप अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद मैंने इस बेस पे क्या किया। मैंने जस्ट इसको नीचे से और रेड कलर की नेट और येलो कलर की नेट को थोड़ा थोड़ा कट करके इस बेस को फिनिशिंग दी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच आज के लिए, बस इतना ही। राधे राधे।